दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ चेक कर लें कि इस बंदे ने इस तरह की वीडियोस बनाकर 5.64 मिलियन सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए हैं और ये बंदा पर वीडियो 5,714 डॉलर कमा रहा है। और अभी तक इस बंदे ने कितने डॉलर कमा लिए हैं ये भी आप लोग अपने वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाकर आप लोग भी पैसे कमा सकते हैं। 5,714 डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं ये भी आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि ये बंदा पर वीडियो 16 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा है। करता क्या है कि सिंपल इस तरह की वीडियोस बनाता है, जिस तरह की वीडियो आप लोगों ने मेरी देख ली है सेम इसी तरह की वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये वाला प्रूफ भी चेक कर लें। सिंपली आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्चिंग बार पर सर्च करना है लॉन्ग गर्दन मैजिक। जैसे ही दोस्तों इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने काफी शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगी। इनमें से दोस्तों मैं आप लोगों को कोई भी एक वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं। फर्ज किया कि दोस्तों मैं ये वाली वीडियो प्ले कर लेता हूं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये वाली वीडियो चेक करें। सेम दोस्तों इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर तो इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आप लोग इस तरह की वीडियोस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप लोग इनकी तरह महाना लाखों रुपए कमा सकते हो। अभी दोस्तों मैं इस बंदे का चैनल भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखें दोस्तों आप लोगों के सामने है कि इस बंदे ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1.3 के वीडियोस अपलोड की हैं और 5.65 मिलियन इस बंदे ने सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए हैं। दोस्तों ये बंदा पर वीडियो कितने डॉलर कमा रहा है और अभी तक इस बंदे ने कितने डॉलर कमा लिए हैं ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दी थी। अब सिंपली दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग इस बंदे की तरह किस तरीके से अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इस बंदे की तरह पैसा कमा सकते हो। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सर्चिंग बार पर सर्च करना है कैप कट। जैसे ही दोस्तों इसको आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। दूसरी एप्लीकेशन दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल में पिक्स आर्ट को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग कैपकट को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाने लगा हूं, समझाने लगा हूं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये प्रूफ चेक कर लें कि सबसे पहले मैंने खुद प्रैक्टिस की है, पहले मैंने काम को सीखा है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा काम है। इस तरह की वीडियोस बनाकर आप लोग भी महाना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे से अपनी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, जिसमें आप लोगों ने थोड़े से इंप्रेशन भी देने हैं। आप लोगों ने वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, इंप्रेशन आप लोगों ने किस तरीके से देने हैं, वो तरीकाकार भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि मैंने आप लोगों को वीडियो प्ले करके भी दिखा दी है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पहले अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की। इस वीडियो में दोस्तों जिस तरीके से मैं इंप्रेशन दे रहा हूं सेम इसी तरीके से आप लोगों ने भी इंप्रेशन देने हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग इंप्रेशन दे लेंगे उसके बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है, यानी कि पीछे हट जाना है। आप लोगों के सामने ये वाला बैकग्राउंड भी आना चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप लोग इतना काम कर लेंगे अब आप लोगों ने अपनी वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है ये तमाम तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि हमारी वीडियो यहां से प्ले हो रही है तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा उसको हम लोग इस तरीके से रिमूव कर देंगे। यहां पर आप लोगों को कट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, इसको आप लोगों ने इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, कल को आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों आप लोगों ने लास्ट पर चले जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग लास्ट पर चले जाएंगे तो इस हिस्से को आप लोगों ने यहां से कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों ये जो आप लोगों के पास 2 सेकंड की वीडियो होगी इसकी आप लोगों ने पिक्चर लेनी है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को फ्रीज की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने 3 सेकंड की पिक्चर आ जाएगी। इस पिक्चर के जरिए दोस्तों अब आप लोगों ने काम करना है। ये जो दोस्तों आप लोगों को लास्ट पर वीडियो नजर आ रही है इसको भी आप लोगों ने इस तरीके से डिलीट कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इस पार्ट को भी इस तरीके से डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों के पास एक पिक्चर बाकी है और ये आप लोगों के पास वीडियो है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने नीचे ले आना है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को लेयर की ऑप्शन नजर आ रही होगी। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि यहां पर आप लोगों को ओवरले की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। ये जो आप लोगों की वीडियो थी ये नीचे आ जाएगी और ये जो आप लोगों का बैकग्राउंड है ये ऊपर ही रह जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने इसको यहां से पकड़ना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसको आगे की तरफ करते जाना है। जितनी दोस्तों आप लोगों की वीडियो की लेंथ होगी उतना ही इसको आप लोगों ने इस तरीके से आगे की तरफ कर लेना है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी उतनी वीडियो रखनी है जब आप लोगों के हाथ गर्दन पर होंगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। अपनी वीडियो की लेंथ आप लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है और बैकग्राउंड की लेंथ को भी आप लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों आप लोगों ने बैक आना है। जैसे ही आप लोग बैक आएंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, जैसे ही आप लोग हाथ उठाएंगे
करेंगे। इस हिस्से को आप लोगों ने यहां से कट कर लेना है, यहां पर ये आप लोगों को कट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां से कट कर लेना है। और जब आप लोग दोबारा अपने हाथों को डाउन करेंगे उस हिस्से को भी दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि मैंने इन दोनों हिस्सों को कट कर लिया है। अब आप लोगों को नीचे तीन हिस्से नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और साथ में आप लोगों को एक ये वाला। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने काम करना है। अब दोस्तों जहां से आप लोग हाथ उठा रहे हैं इसका आप लोगों ने इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अब आप लोगों ने इस पिक्चर को एडिट करना है। अब दोस्तों इस पिक्चर को आप लोगों ने किस तरीके से एडिट करना है, अगर आप लोग इस पिक्चर को एडिट नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी मेरी तरह वीडियो नहीं बना सकते, आप लोग कभी भी उस बंदे की तरह वीडियो नहीं बना सकते जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दी है। दोस्तों सारा का सारा कमाल ही इस पिक्चर का है, इस पिक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से एडिट करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आनी, फिर आप लोग भूल जाएंगे कि आप लोग भी YouTube की दुनिया से पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को पिक्चर एडिट करने का तरीकाकार बता देता हूं। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है, बैक चले जाने के बाद आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है और सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों को अपलोड इमेज की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जिस पिक्चर का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आप लोगों ने यहां से उठाना है और यहां पर ले आना है। अब ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि वो वाली पिक्चर आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसका आप लोगों ने यहां से बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। यहां पर अब आप लोगों को डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और इस इमेज को दोस्तों आप लोगों ने यहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है, बैक चले जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है, पिक्स आर्ट के नाम से ये वाली एप्लीकेशन है। जैसे ही दोस्तों इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको दोस्तों आप लोगों ने अपनी किसी भी जीमेल के जरिए या फिर आप लोगों ने फेसबुक के जरिए लॉग इन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इसको आप लोग अपनी किसी भी जीमेल के जरिए लॉग इन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों को प्लस की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जिस पिक्चर का आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया है उस पिक्चर को आप लोगों ने यहां से उठाना है और यहां पर ले आना है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो अपनी पिक्चर को आप लोगों ने यहां पर इस तरीके से सिलेक्ट करते जाना है, सिवाय फेस के आप लोगों ने सारी पिक्चर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर ये आप लोगों को टिक की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की एड आ जाएगी। यहां पर ये दोस्तों आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा 275 रुपए में या फिर 245 रुपए में, ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों को परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाह रहे तो सिंपली दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने तो दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन परचेज की हुई है, बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वाली पिक्चर भी दिखा दी कि इस तरीके से आप लोगों के सामने एड भी आ सकती है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आप लोग अपने फेस को रख लेंगे, बाकी तस्वीर को आप लोग रिमूव कर देंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की पिक्चर बाकी बच जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे ये आप लोगों को टूल्स की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को स्ट्रेच की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों ने रैप पर क्लिक करना है और इसका साइज को आप लोगों ने इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, पावर को भी आप लोगों ने इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों बिल्कुल आप लोगों ने गर्दन के पास इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ लाते जाना है, जितनी गर्दन आप लोग लंबी करना चाहे उतनी आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी गर्दन को लंबी कर लेंगे, अपनी पिक्चर की गर्दन को लंबी कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों ये आप लोगों को ऊपर तीर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर सेव होकर आप लोगों की गैलरी में चली जाएगी। अगर तो दोस्तों आप लोगों का बैकग्राउंड खुद ब खुद रिमूव हो जाए तो वैल एंड गुड, अगर खुद ब खुद रिमूव नहीं होता तो सिंपली दोबारा फिर आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है और यहां से आप लोगों ने रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहां से दोस्तों आप लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि जिस तरीके से मैंने यहां पर बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है, बाकी आप लोगों के पास ये खाली गर्दन ही बच जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों ने इस पिक्चर के जरिए किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करना है वो तमाम तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से आप लोगों ने अपनी गर्दन को लंबा करना है, किस तरीके से आप लोगों ने गर्दन लंबा करने वाली पिक्चर को एडिट करना है। अब दोस्तों उस पिक्चर को आप लोगों ने यहां पर एडजस्ट करना है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को एड ओवरले की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जिस पिक्चर को अभी आप लोगों ने एडिट किया था उसको आप लोगों ने यहां से उठाना
आना है और यहां पर ले आना है। यहां पर लाने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। बिल्कुल ही दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ ये काम करना है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने अपने हेड के ऊपर इस हेड को एडजस्ट करना है। ये देखे दोस्तों आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं सेम इसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। ये देखे दोस्तों यहां पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो फ्रंट पर नजर आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो जनाब इसको आप लोग पीछे भी कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोगों को लेयर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और नंबर वन को आप लोगों ने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखे दोस्तों आप लोगों के सामने है, जो गर्दन लंबी आप लोगों को फ्रंट पर नजर आ रही थी उसको हम लोगों ने बैक पर कर दिया है। अब दोस्तों इसकी लेंथ को भी आप लोगों ने इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। जितनी दोस्तों ये आप लोगों की सेंटर वाली वीडियो होगी उतनी ही आप लोगों ने इसकी भी लेंथ इंक्रीज कर देनी है। अब दोस्तों आप लोगों के सामने है कि मैंने इतनी एडजस्टमेंट कर दी है। अब दोबारा फिर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को मास्क की ऑप्शन नजर आएगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है, जो वीडियो में आप लोगों की गर्दन थी उसको आप दोस्तों आप लोगों ने रिमूव करना है। जिस पिक्चर को आप लोगों ने एडिट किया था, यहां पर एडजस्ट किया है, उसको आप लोगों ने रिमूव नहीं करना। इसको इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने ऊपर की तरफ ले जाना है और इस तरीके से दोस्तों इसकी आप लोगों ने एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर इन्वर्ट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और आप लोगों ने सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों ने इस पिक्चर पर क्लिक करना है, यहां पर दोस्तों ये आप लोगों को प्लस की ऑप्शन नजर आ रही होगी, इसको आप लोगों ने इस तरीके से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद दोस्तों जब तक आप लोगों के हाथ ऊपर जा रहे हैं तब तक आप लोगों ने इसकी लेंथ को बढ़ाते जाना है। यहां पर लाकर इसको आप लोगों ने इस तरीके से छोड़ देना है जब आप लोग अपने हाथों को डाउन कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा फिर आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करना है, इसको आप लोगों ने इस तरीके से माइनस कर देना है और इस गर्दन को आप लोगों ने यहां से पकड़ना है और इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने ऊपर की तरफ ले जाना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि इस तरीके से इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ लेते जाना है। यहां पर लाकर आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। अब दोबारा फिर दोस्तों आप लोगों ने एंड पर चले जाना है। एंड पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने दोबारा फिर प्लस पर क्लिक करना है और इस गर्दन को आप लोगों ने इस तरीके से नीचे ले आना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि इस गर्दन को मैं इस तरीके से नीचे ले आया हूं। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट भी कर देनी है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सिंपली दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडिट करना है, इस तरीके से आप लोगों ने भी काम करना है। इंशाल्लाह दोस्तों अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करेंगे तो अल्लाह पाक की जात आप लोगों को जरूर कामयाब करेगी। इसके बाद सिंपली दोस्तों यहां पर आप लोगों को तीर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। इस वीडियो को आप लोगों ने सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अपलोड कर देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।